तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईपीएस तनुश्री की सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। झाझा के रिटायर डीआईजी की बेटी तनुश्री प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। सबसे पहले तनुश्री ने साल 2014 में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनी। इसके बाद उन्होंने आयकर विभाग की परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन तनुश्री ने आयकर विभाग में अपना योगदान नहीं दिया। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, एग्जाम दी। मई 2017 में रिजल्ट आया, तनुश्री को आईपीएस कैडर मिल गया। परिवार में इतनी खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि इसके बाद वह पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गई। उनका कहना है कि आज मैं जो कुछ हूँ, इन सब के पीछे उनके पिता का हाथ है। वो अपने पिता के मार्गदर्शन से ही आज ये मुकाम हासिल की। घर का काम काज संभालते हुए तनुश्री ने यह सफलता पाई। वैसे पिता सुबोध कुमार और मां नीलम प्रसाद तनुश्री की सफलता से संतुष्ट हैं। तनुश्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोतिहारी से की थी। इसके बाद जहां भी उनके पिता का ट्रांसफर हुआ, वहीं जाकर अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई की। तनुश्री ने बताया कि प्लस टू की पढ़ाई बोकारो से की थी, बाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई और वहाँ पे कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी पे काफ़ी ध्यान दिया और कड़ी मेहनत की वजह से आज वो इस मुकाम पे हैं। और उनकी बहन मनुश्री सीआरपीएफ की कमांडेंट हैं। तनु का कहना है कि बड़ी बहन ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसके कारण आज ये सफलता पाई। तो गाइस, आज मैं आपको ये स्टोरी सुनाया। ये स्टोरी सुन के आपको क्या लगा, कैसा लगा, अपना राय कमेंट में दें। और नेक्स्ट स्टोरी मैं किन के ऊपर बनाऊँ, आप उनका नाम भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के लिए। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।